विधायक के वार्ड में गंदगी नहीं हो रही सफाई। मेडिकल अस्पताल में अव्यवस्था के खिलाफ टीम को सौंपा गया है। वृक्ष हमारी जान है, हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब खबरें विस्तार से। गंदगी और बाट में खुले नाले नालियों से परेशान जवाहरलाल नेहरू बाट के लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। जन युवा मंच के बैनर तले नगर निगम पहुंचे 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने बताया कि बाट के पार्षद विनय सक्सेना है, जो कि उत्तर क्षेत्र के विधायक भी है, फिर भी नाले नालियों की सफाई नहीं हो रही है। कंचघर बस्ती राम हरक का बगीचा से लेकर चौधरी मोहल्ला तक एक बड़ा नाला है, जो बरसों बाद भी खुला है। नाले का निर्माण आज तक नहीं कराया गया। युवा मंच के साथ 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने निगम युक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। बाढ़ की सफाई, प्रकाश व्यवस्था कराने व नाले नालियों को पक्का कराने की मांग की है। जबलपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 54 से जो है क्षेत्रीय नागरिकगण यहाँ पर आए हैं। विगत कई वर्षों से लगातार जो है जबरदस्त यहाँ पर गंदगी का अंबार है, और क्योंकि हमारे वार्ड के जो है क्षेत्रीय पार्षद जो है मध्य क्षेत्र के विधायक बन गए, जिन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान देना बंद करके रख दिया है। विगत 4 वर्ष पहले जो है वहाँ पर खुले नाले होने के कारण जो है एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, और नालों से लगे हुए लोगों के घर है, पहली बारिश में जो है पूरे नाले भर जाएंगे और जो है उनके घरों के अंदर पानी जाने लगेगा, और इतनी ज़बरदस्त संक्रामक बीमारियाँ फैलेंगी कि कई लोग इसमें जान जाने वाली है। यदि प्रशासन सख्ती के साथ इसमें मुस्तैद नहीं हुआ तो निश्चित रूप में कोई बड़ी घटना वहाँ पर घटने वाली है। इसलिए हम आज जो है महापौर महोदय जी को ये अवगत कराने आए थे कि किस तरीके से उस वार्ड के हर कोने में क्या क्या किस तरीके की समस्याएं हैं। वहाँ पर पानी की समस्याएं ज़बरदस्त है। नर्मदा का पानी कई वर्षों से लोगों को नहीं मिला है, पाइपलाइन घरों के अंदर नहीं पहुँची है, मतलब टोटल नरकी ज़िंदगी वहाँ पर लोग काट रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये विनती अनुरोध के साथ आए हैं कि कोई निर्णायक हम लोग के साथ जो है कार्रवाई की जाए। जितने भी खुले नाले हैं बड़ी संख्या में, उसको पूरे तरीके से बंद, लगातार पार्षद महोदय के पास गए, पार्षद महोदय घर गए, और पार्षद महोदय विगत कई वर्षों से पार्षद है, ऐसा नहीं कि आज के पार्षद हैं, विगत 15 वर्षों से वहाँ पर जो है वहाँ पर पार्षद ही वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ पर सुध नहीं ली। आज जो है कॉपरेटिव सोसाइटी के विधायक बन गए, मतलब पूंजीपति वर्ग के विधायक बन गए, तो उन्होंने उस क्षेत्र की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मेडिकल अस्पताल में एक मरीज को चादर में घसीट कर अस्पताल ले जाते परिजनों का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वर्मा से मुलाकात की। अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि अस्पताल में तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड मरीजों और परिजनों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की हुकूमत में मुलाजिम किस कदर की मनमानी कर रहे हैं, इसका उदाहरण जबलपुर शहर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में वायरल हुए एक वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें मरीज को चादर में लिटाल के एक्सरे रूम की तरफ घसीट के ले जाया जा रहा है। यहाँ जो मुलाजिम है सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं, ये लोग जो खिदमत खल्क का नज़रिया होता था डॉक्टर और हॉस्पिटल का, वो सब भूल चुके हैं, और यहाँ पे इतनी परेशानियाँ व्याप्त हैं जिसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ की सरकार पूरी तरीके से विफल है। यहाँ पे सेंट्रल लैब में जांचें बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाके जांच कराना पड़ रहा है, उनके ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है, सीनियर डॉक्टर राउंड पे नहीं जाते हैं। यहाँ के निचले कर्मचारियों का व्यवहार ऐसा है कि जैसे उनकी बातें सुन के लगता है कि वो जबलपुर शहर के हिस्ट्री सीटर हों। और महत्वपूर्ण बात ये बता दूँ आपको कि इतना सब होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का प्रशासन जाग नहीं रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, गरीब लोग परेशान हैं। और जिस दिन का ये वीडियो वायरल हुआ उसी दिन कांग्रेस के मध्य प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि यहाँ पे आके अपना फोटो सेशन कराते हैं, अपनी वाहवाहियाँ लूटते हैं, उनके चंद घंटों के बाद मरीज को चादर में लेटाल के यहाँ से घसीट के एक्सरे रूम ले जाया जाता है, कितना शर्मनाक है ये देख। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाने में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृक्षारोपण करते हुए जतारा SDOP प्रदीप सिंह राणावत ने कहा कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष हमें जीवन दान देते हैं और उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए।